हेलो बच्चों, दोस्तों हमारी पिछली मुलाकात में बात हो चुकी है मोज़ले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया था और उस पर बेस्ड एक मायावी टेबल की भी बात की थी। जी हां, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की हमने बात की थी, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था और उसमें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई भी कर लिया था। आई होप आपको याद होगा, ऐसे एलिमेंट्स जिन एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा एस सबशेल में, एस ऑर्बिटल में, उन सभी एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसी माया ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के एलिमेंट्स में देखी जाएगी। जी हाँ, इन एलिमेंट्स में देखी जाएगी और इन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन एंड हीलियम भी इंक्लूडेड होंगे। हाइड्रोजन के केस में एंड हीलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल और एस सबशेल में ही एंटर करता है। इनकी देखिए जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, इनकी क्या है NS2 है, N है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। देखिए N की वैल्यू किस प्रकार से वेरी होगी, N1 होगा इन एलिमेंट्स के लिए, इनके लिए देखिए क्या होगा N2 होगा। ये N की वैल्यूज यहां पर इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेटेड है, यानी हमें बात करनी है N7 तक। अब हमें इस क्लासिफिकेशन की दुनिया में आगे चलना है और बात करनी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जिस प्रकार से हमने क्लासिफाई किया है, वैसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करना होगा। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू पी सबसेल। जी हां, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू पी सबसेल आर कोल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा कारनामा कौन कौन से एलिमेंट्स के केस में होगा? पी सबसेल में एंटर होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा देखिए पॉसिबल हो पाएगा ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स में। जी हां, बोरोन फैमिली से अगर बात की जाए ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक बात की जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में ही एंटर होगा। किस प्रकार से इसको एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके लिए हमें इनकी जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी होगी। उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, हर ग्रुप का हम डिटेल में 1 by 1 डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए इससे पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली बात, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से जिन एलिमेंट्स को इंडिकेट किया गया है, इसमें देखिए पोलोनियम भी इंक्लूडेड है। जी हां, ये भी इंक्लूडेड है, पोलोनियम भी इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है। तो देखिए ये कौन से एलिमेंट्स हैं? अगर पोलोनियम को भी इंक्लूड किया जाए तो ये एलिमेंट्स हैं, देखिए मेटलॉइड्स। जी हां, ये मेटलॉइड्स हैं और आप देख सकते हैं बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एसिटाइन, ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। इनको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक भी है, देखिए क्या, बोले शिवजी ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी। जी हां, बोले शिवजी ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी, इस लाइन से ऐसे निमोनिक्स को यूज करते हुए आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं? मेटलॉइड्स को याद कर सकते हैं। देखिए बोले शिवजी ऐसी सब तेरी पुरानी अटारी, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा देखिए अगर इस तरफ मूव करते हैं तो हमें कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? राइट साइड मूव करने पर हमें मिलते हैं नॉन मेटल्स, मेटलॉइड से लेफ्ट साइड हमें कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? हमें मिलते हैं मेटल्स। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपसे यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि जो एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने हैं, ये सभी इंडिकेटेड एलिमेंट्स स्टेबल हैं, एक्सेप्ट पोलोनियम, एसिटाइन एंड रेडोन। दीज एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव, ये एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव हैं। और हीलियम
पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। हीलियम से रिलेटेड हमारा डिस्कशन देखिए यहां पर हो चुका है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हो चुका है, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है तो हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। हीलियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में ही एंटर होगा। अब देखिए हमें इन एलिमेंट से जान पहचान बनाने हैं, जनरल डिस्कशन हमें करना है, तो वन बाय वन हर ग्रुप से रिलेटेड हमारी बातचीत होगी, उसके बाद हम इन ग्रुप एलिमेंट से रिलेटेड जनरल बातों को जानेंगे, सीखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कितनी सारी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हम यहां पर जान सकते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रुप वाइज इन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड कितनी सारी जनरल बातें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका आपको आइडिया है। अगर इसका आइडिया लेना है तो सबसे पहले हमें ग्रुप वाइज चलना होगा। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा ग्रुप 13 से रिलेटेड, और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स अगर आपको याद हो मेंडली टेबल में ग्रुप 3A में प्रेजेंट थे, तो ट्रिक 4 ग्रुप 3A जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं यही वैलिड होगी ट्रिक 4 ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए। जी हां, अगर एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तो ट्रिक भी क्या होगी, सेम होगी। आप जानते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला के कोरस्पॉन्डिंग हमने इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम आपको याद होगा। पीरियड नंबर देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोरोन का क्या होगा, 2 होगा, एल्यूमिनियम का 3 होगा, गैलियम का 4 होगा, इंडियम का 5 होगा, थैलियम का क्या होगा, 6 होगा। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। और ये ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 13 है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसको भी हमने रिवाइज कर लिया है। कैसे, इन एलिमेंट्स को निमोनिक्स की हेल्प से आसानी के साथ याद किया जा सकता है, पूरी माया आपके सामने, आई होप आपने इसको याद कर भी लिया होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपको एक बेहतरीन टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप हर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ काउंट कर पाएंगे। कैसे, इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू ग्रुप नंबर -10, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप नंबर -10। जैसे आप सोच रहे होंगे ग्रुप 13 के केस में क्या होगा, देखिए ग्रुप 13 के केस में क्या होगा, अगर बात की जाए ग्रुप 13 की नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 के केस में होंगे 13 - 10, 3 इलेक्ट्रॉन्स, जी हां 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। कैसे होंगे, देखिए इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये होगी NS2 NP1, ध्यान दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन एस में होंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में जाएगा, पी में जाएगा, NS2 NP1, ये इसकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। किस केस में, ग्रुप 13 के केस में जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आसानी के साथ आप बोरोन से लेकर थैलियम तक चुटकियों में बात कर सकते हैं। देखिए कैसे, एन इज इक्वल टू 2 है तो इसके लिए 2s2 2p1 हुई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एल्यूमिनियम के लिए 3s2 3p1, ऐसे गैलियम के लिए 4s2 4p1, इंडियम के लिए 5s2 5p1, थैलियम के लिए 6s2 6p1, है ना बिल्कुल मैजिक। इसी मैजिक पर बेस्ड है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बात केवल ग्रुप 13 में ही वैलिड नहीं है, अब हमें बात करनी है ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। देखिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स वही हैं जो आप मेंडली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A में देख चुके हैं। इन एलिमेंट से रिलेटेड हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो देखिए इनको याद करने की ट्रिक क्या है आपके सामने,
चलिए शिव जी, संग पार्वती, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमारा ग्रुप 14 है। आई होप आपने इन सभी एलिमेंट्स को याद किया होगा। ये हमारा ग्रुप 14 है जिसमें कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सभी एलिमेंट्स हैं। पीरियड नंबर देखिए, एन इज इक्वल टू 2 से लेकर अभी हमें बात करनी है एन इज इक्वल टू 6 तक। इस प्रकार से पीरियड नंबर इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे मूव करते हैं। जी हां, देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ग्रुप 14 के केस में, ग्रुप नंबर -10 यानी 14 - 10 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये होगी NS2 NP2। देखिए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं, देखिए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो P में तो मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। यानी अगर एक और इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना हुआ, यानी हमें ग्रुप 13 की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन और आगे चलना हुआ, तो पी में देखिए इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। 2p1 से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2p2 हो जाएगी। बोरोन फैमिली से कार्बन फैमिली की तरफ मूव करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वैलेंस शेल की, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, NH2 NP2 हो जाएगी। तो कार्बन के लिए क्या होगी, देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होगी। सिलिकन के लिए 3s2 3p2 होगी। जर्मेनियम के लिए 4s2 4p2 होगी। टिन के लिए 5s2 5p2 होगी। लेड के लिए 6s2 6p2 होगी। आई होप इसको आपने याद किया होगा। अगर आप ये सब कुछ याद कर चुके हैं तो इसी मैजिक को हम ग्रुप 15 के केस में भी देखेंगे। जी हाँ, यही मैजिक ग्रुप 15 के केस में भी वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा, देखिए ग्रुप 15 का एक बेहतरीन केस आपके सामने है। ये एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के और ये एलिमेंट्स मेनली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5A में प्रेजेंट थे। याद है आपको, इनको याद करने की ट्रिक देखिए आपके सामने है। नहीं पसंद ऐसे सब भाई, आपको याद है धोखेबाज भाई हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए इन एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक आपके सामने है। एलिमेंट्स आपको याद हो चुके हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। इस प्रकार से देखिए ग्रुप 15 में इस प्रकार से वर्टिकल कॉलम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट्स हैं। पीरियड नंबर देखिए, इसके लिए एन इज इक्वल टू 2 और कहां तक जाना है, बिस्मत तक, N इज इक्वल टू 6 तक हमें अभी बात करनी है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सोचिए क्वेश्चन वही है एक बार फिर से मेरा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टेक्निक आपको बताई जा चुकी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N वैलेंस शेल कितने होंगे, ये होंगे देखिए ग्रुप नंबर -10 ग्रुप नंबर -10 15 - 10 ये होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में आ जाएंगे, पी में कितने आ जाएंगे, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, पी में होंगे। देखिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2 NP3। देखिए किस प्रकार से S में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं और P में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। आई होप इसको आपने याद किया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। अगर आपने नोट कर लिया है तो देखिए नाइट्रोजन से लेकर बिस्मत तक किस प्रकार से इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा सकती है। N2S के लिए 2s2 2p3, देखिए N3 है 3s2 3p3, यहां देखिए N4 है 4s2 4p3,
एन फाइव है, फाइव एस टू फाइव पी थ्री, एन सिक्स है, सिक्स एस टू सिक्स पी थ्री। जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख चुके हैं, एन एस टू एन पी थ्री, एन वेरी होता जाएगा, और इन एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए आप जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए आसानी के साथ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट कर पाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट आगे ग्रुप 16, 17, 18 तक भी वैलिड होगा। जी हाँ, 18 के बाद तो हमें ग्रुप की बात करनी नहीं है, क्यों नहीं करने है? लास्ट ग्रुप होगा हमारा ग्रुप 18। तो आगे चलना है, ये सिलसिला ग्रुप 18 तक चलता रहेगा। हमें जल्दी जल्दी बात करनी होगी क्योंकि हमें काफी कुछ आज के सेशन में डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड भी जानना है। पी ब्लॉक तक ही आज हमारी कहानी सीमित नहीं रहेगी, हमें आगे चलना है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को भी हमें जानना होगा। जल्दी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की इस माया को जानकर आगे बढ़ जाना है। रेडियस की बात करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हमें बात करनी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करनी है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी डिस्कस करना है। यानी एक एक लेक्चर में हमें काफी कुछ काम हमें फिनिश करना होगा। एक लेक्चर में रेडियस का काम हो जाएगा, एक लेक्चर में पूरी आयोनाइजेशन एनर्जी की जितनी भी माया है ये कंप्लीट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की माया भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी संडे तक मुझे लगता है ये चैप्टर पैक हो जाएगा। लगातार हमारी क्लास होगी और बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते रहेंगे, और हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को इस वीक में ही कंप्लीट कर देंगे, और नया लेक्चर प्लान भी आपके साथ जल्द ही शेयर किया जाएगा। आप उसके लिए वेट करें, मुझे लगता है एक या दो दिन में आपको लेक्चर प्लान भी अपडेट होकर मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूं, कैसे आपके टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करते हुए आपके सभी चैप्टर्स को कवर करवाया जाए। तो इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आपको जल्द ही लेक्चर प्लान मिलने वाला है। देखिए, अभी हमें बात करनी है कौन से ग्रुप की, ग्रुप 16 की बात करनी है। देखिए, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को अगर आपको याद करना है तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक आपके सामने है। उससे टीपो ऑक्सीजन सल्फर से सेलिनियम टी टेल्यूरियम पो पोलोनियम, उससे टीपो। आई होप आपने इस ट्रिक को मेंडली पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 6 में भी आपने देखा होगा। जी, एलिमेंट सेम है तो टेक्निक भी क्या होगी, याद करने की बिल्कुल सेम होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स का हमारे पास ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 में एक वर्टिकल कॉलम में इस प्रकार से ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जल्दी से नोट कीजिए, अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया है तो देखिए, N क्या होगा, पीरियड नंबर होगा, N ऑक्सीजन के लिए 2 होगा और N पोलोनियम के लिए 6 होगा। इस प्रकार से N वेरी करता होगा 2 से लेकर 6 तक, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक। आई होप इस बात को आप जान चुके हैं। तो आपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर लिया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल। देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ग्रुप नंबर -10 होंगे, ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर 16 है, 16 माइनस 10, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको यहां से मिलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पी में होंगे, NP4। जी हाँ, NS2NP4। इस प्रकार से एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, लेकिन हमें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए 4 को ही यहां फिल करना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी NS में फिल किया जा चुका है, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से P में प्रेजेंट होंगे, 1, 2, 3, एंड ये होगा 4th इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा सकती है। इसके लिए होगी 2s2 2p4, इसके लिए 3s2 3p4, इसके लिए देखिए 4s2 4p4, टेल्यूरियम के लिए 5s2 5p4, पोलोनियम के लिए 6s2 6p4। जल्दी से नोट कीजिए और याद कीजिए। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर ऑल्सो नेम्ड एज चालकोजंस।
इनको चालकोजंस भी बोला जाता है। और इसके साथ साथ देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, क्या आप जानते हैं, इनको निक्टोजंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्टोजंस। ऐसे ही ग्रुप 17 का भी एक स्पेशल नेम है। देखिए इसी प्रकार से मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 के लिए हम यूज करेंगे हेलोजंस। जी हाँ, हेलोजंस के नाम से इन मेंबर्स को जाना जाएगा। और हेलोजन का मीनिंग क्या है, चालकोजन का मीनिंग क्या है, निक्टोजन का मीनिंग क्या है, इस पर भी हमारी डिटेल में बात होगी। देखिए हेलोजंस ग्रुप 17 के मेंबर्स है, कौन कौन से मेंबर्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये मेंबर्स हैं। अब देखिए निमोनिक्स क्या होंगे, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई अतुल की, क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में हमें कुछ नहीं जानना है। देखिए ये सभी ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, इन सभी मेंबर्स के बारे में हमारा डिस्कशन ऑलरेडी मेंडलीव टेबल में भी हो चुका है। जी हाँ, ये सभी मेंबर्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी प्रेजेंट थे। कौन से ग्रुप में थे? देखिए ग्रुप 7A में प्रेजेंट थे, आपको याद होगा। इन सभी मेंबर्स को क्या बोलते हैं? हैलोजन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पी ब्लॉक के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप नंबर में से 10 को माइनस करना होगा, 17 में से 10 को माइनस करना होगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो देखिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में होंगे NS2 एंड रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स पी में होंगे। ये देखिए इस प्रकार से एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स पी में इस प्रकार से होंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से रिमेनिंग पी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपके सामने है, पूरी माया आपके सामने है, आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। एन की वैल्यू देखिए किस प्रकार से चेंज होगी, पीरियड नंबर एन है, पीरियड नंबर चेंज होगा, N2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, हमें बात करनी है N इज इक्वल टू 6 तक। ध्यान से देखिए इस प्रकार से N वेरी होगा तो आसानी के साथ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा सकती है। N को 2 पुट किया तो यहां से हमें फ्लोरीन की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। N को 3 पुट किया, 4 पुट किया, तो इस प्रकार से आपको हैलोजन्स की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को हमें बॉन्डिंग चैप्टर में भी डिटेल में यूज करना है। जी हाँ, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी तभी तो हम आसानी के साथ बॉन्डिंग को डिस्कस कर पाएंगे। इसको जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा बॉन्डिंग चैप्टर का। देखिए इसके बाद हमें यह डिस्कस करना है ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, ये जो स्पेशल नेम्स है इनका मीनिंग क्या है। देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स का क्या नेम है, इन एलिमेंट्स को निक्टोजन बोलते हैं, निक्टोजन्स बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चालकोजन्स बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोला जाता है हैलोजन्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए इनका मीनिंग क्या है, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देखिए निक्टोजन्स का मीनिंग होता है सफोकेटिंग ओडर इनके मैक्सिमम कंपाउंड्स का होगा और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होंगे। जी हाँ, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 के जितने भी कंपाउंड्स होंगे इनमें मैक्सिमम कंपाउंड्स क्या होंगे, हार्मफुल होंगे और इनका सफोकेटिंग ओडर होगा। वही बात की जाए ग्रुप 16 के मेंबर्स की, इनको चालकोजन्स क्यों बोलते हैं, चालकोजन्स इन मेंबर्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन मेंबर्स की ओवर फॉर्मिंग नेचर की वजह से इनको बोला जाएगा चालकोजन्स। हैलोजन्स का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सोल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी। जी हाँ, सोल्ट बनाने की टेंडेंसी होगी इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको हैलोजन्स बोलते हैं। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये कहानी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद हमें ग्रुप 18 की बात करनी है। देखिए
ग्रुप 18 में कौन कौन से मेंबर्स हैं? ग्रुप 18 में हीलियम को भी रखा जाता है, हीलियम की प्रॉपर्टीज बाकी नोबल गैसेस से मैच होती है। हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर होगा, हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। हीलियम के बाद जो एलिमेंट्स देखिए, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सभी क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं, ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल क्या होंगे? देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल की बात की जाए, टेक्निक आप जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ये इक्वल होंगे ग्रुप नंबर माइनस 10 की, ग्रुप नंबर माइनस 10 यानी 18 माइनस 10 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स को देखिए किस प्रकार से वैलेंस शेल में फिल किया जा सकता है। जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP6, जी हां 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स s में प्रेजेंट होंगे, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे p में। तो देखिए n इस प्रकार से वेरी होगा, हीलियम के लिए n1 होगा, नियोन के लिए 2, आर्गन के लिए पीरियड नंबर 3 होगा, क्रिप्टोन के लिए 4 होगा, जिनोन के लिए 5 एंड फाइनली रेडोन तक हमने बात की है, इसके लिए n 6 होगा। देखिए किस प्रकार से n वेरी होगा, n2 से 6 तक वेरी होगा। यहां पर n2 पुट करते हैं तो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है? 2s2 2p6 मिलती है। n को 3 पुट करने पर 3s2 3p6, n को 4 पुट करने पर 4s2 4p6, n को 5 पुट करते हैं 5s2 5p6, n को 6 पुट करने पर 6s2 6p6 आपको मिलती है। हमने क्या किया, n में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की वजह से ये ns2 एंड p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है? देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना हो, देखिए इस प्रकार से, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकते हैं np6। देखिए p में और इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते हैं, यानी इसके बाद और कोई ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर s सबसेल एंड p सबसेल दोनों की दोनों सबसेल्स फुली फिल्ड हैं, यानी इन एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी काफी कम है। s फुली फिल्ड है, p भी फुली फिल्ड है, इसी वजह से इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इनको इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना गया है। आई होप आपने इस प्रकार से अंडरस्टैंड किया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स s में है, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे? p में होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18th ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में 8 होंगे। अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए तो इसके बाद आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, हमें पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करनी होगी। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स सर, देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 1 तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जिन एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में एंटर होगा उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू पी ऑर्बिटल आर कोल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, पी सबसेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। जी हां पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो कौन सा ग्रुप होगा? 13 होगा। जी हां इस प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर होगा ग्रुप 14 होगा, तीसरा एंटर होगा 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पी सबसेल में एंटर होगा जिसके बाद पी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, तो कौन सा ग्रुप होगा? 18 होगा। 18 से ज्यादा इसलिए ग्रुप नहीं हो सकते क्योंकि पी ऑर्बिटल और कोई हमारे पास है ही नहीं जहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए। आई होप इस माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और ये एलिमेंट्स मेंडली पीरियोडिक टेबल में कहां पर प्रेजेंट थे याद है आपको? देखिए 3A में थे, 4A, 5A, 6A, 7A इस प्रकार से प्रेजेंट थे।
3A, 4A, 5A, 6A, 7A में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। और देखिए मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप था इनर्ट गैसेस का, ये आपको नोट करना होगा, इनर्ट गैसेस का जीरो ग्रुप था, यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट थे, जीरो ग्रुप में प्रेजेंट थे। आई होप इसको भी आपने नोट किया होगा। तो देखिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये आप जानते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में एस में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 13 ग्रुप का केस है तो पी में 1 होगा, और केस 18 ग्रुप का तो देखिए 18 ग्रुप एलिमेंट के केस में पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आप जानते हैं, 6 हो सकते हैं। अभी अभी हमारा इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ है तो हम बोल सकते हैं पी की रेंज क्या होगी, पी में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 6 तक होंगे, ये रेंज होगी आपके सामने, और एस में हर बार 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन क्या होगा, एन होगा पीरियड नंबर, कितने पीरियड्स होंगे, 7 होंगे, यानी एन वेरी होगा 2 से लेकर 7 तक। इस पूरी माया को आप जान चुके हैं, अगर आप इस पूरी माया को जान चुके हैं तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट को स्टार मार्क कीजिए, द मेंबर्स ऑफ जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप में वही मेंबर्स थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के केस में जो मेंबर्स आज हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में मिलते हैं। द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 18 हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 आर इनर्ट, ये इनर्ट है, क्यों इनर्ट है, बिकॉज देयर एनर्जी लेवल्स आर फुली फिल्ड। जी हाँ, एनर्जी लेवल्स फुली फिल्ड है, एस भी फुली फिल्ड है और पी भी फुली फिल्ड है। किस प्रकार से, देखिए इसके बारे में हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, अब हमें इस पॉइंट को नोट करना होगा। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिल्कुल एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जी हाँ, पी भी कंप्लीटली फिल्ड है, अगर एस भी कंप्लीटली फिल्ड है, पी भी कंप्लीटली फिल्ड है, इन एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी काफी कम है, तो इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, गैसियस स्टेट में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी काफी कम है। इस बात को हम बॉन्डिंग चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके सामने हैं, द टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल वेरी इंपॉर्टेंट इज 36 एक्सक्लूडिंग हीलियम, हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन काफी बार हो चुका है। देखिए कैसे 36 है, पूरी पी ब्लॉक की माया आपके सामने, ये देखिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, और इसके नीचे भी एक और पीरियड होगा, 7th पीरियड होगा, वहां भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी एटॉमिक नंबर 118 तक ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो यहां लास्ट मेंबर होगा एटॉमिक नंबर 118 के साथ होगा। इस प्रकार से आपने पी ब्लॉक का पूरा मैट्रिक्स देखा है, इसमें देखिए कितने रोज होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रोज होंगे, कितने कॉलम होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कॉलम होंगे, 6×6 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे 36। आई होप ये आपने नोट किया होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे, 36 होंगे, काउंटिंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए एक और पॉइंट आपके सामने है, देर आर 9 गैसियस एलिमेंट्स, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, गैसियस एलिमेंट्स हैं। लिक्विड्स भी हैं क्या, बिल्कुल लिक्विड्स भी हैं, नोट कीजिए गैलियम एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स, बाकी सब कैसे हैं दोस्तों, बाकी सब सॉलिड्स होते हैं। जी हाँ, ये ब्रोमीन एंड गैलियम लिक्विड हैं और ये गैसेस आपके सामने हैं, 9 गैसियस एलिमेंट्स हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कितने गैसियस एलिमेंट्स हैं, इसकी पूरी माया आपके सामने है, कितने लिक्विड एलिमेंट्स हैं ये आप जानते हैं। देखिए लिक्विड्स एंड गैसेस के अलावा जो मेंबर्स होंगे ये सभी मेंबर्स पी ब्लॉक में सॉलिड्स होंगे। अब बारी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की,
एलिमेंट्स इन विच, देखिए किन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू डी सबसेल, एंटर्स टू डी सबसेल आर कोल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू डी सबसेल और डी ऑर्बिटल आर कोल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए कहां है, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है। देखिए ग्रुप 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं। देखिए ये आपके सामने 3D सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। कौन सी सीरीज है, इस पहले सीरीज को 3D सीरीज बोलते हैं, दूसरी सीरीज को 4D सीरीज, तीसरी सीरीज को 5D सीरीज, जो लास्ट सीरीज होगी उस सीरीज को बोला जाएगा 6D सीरीज। मैंने यहां पर 6D सीरीज को इंडिकेट नहीं किया है, जल्द ही आपको मिलवाया जाएगा 6D सीरीज से भी। अब देखिए 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं कितने एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होंगे, 21 से स्टार्ट होंगे और कहां तक होंगे, 30 तक होंगे। यहां देखिए 39 से 48 तक इस प्रकार से होंगे, लेकिन यहां पर देखिए 57 से 80 तक ये एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा यहां पर ये ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, यहां देखिए आपको ये डिफरेंस ज्यादा इसलिए मिलता है यहां पर 14 एलिमेंट्स गायब हैं, ये 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं। ऐसे ही 6D सीरीज से भी यहां से 14 एलिमेंट्स गायब होंगे, ये एलिमेंट्स भी एफ ब्लॉक के होंगे, यानी एफ ब्लॉक यहीं से ही निकला हुआ है। 58 से लेकर 71 तक ये एलिमेंट्स गायब होंगे, और यह एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक गायब होंगे। जी हां, 58 से 71, 90 से 103 एलिमेंट्स गायब होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गायब होंगे ये 28 एलिमेंट्स गायब होंगे। कितने एलिमेंट्स गायब होंगे, 28। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक सीरीज के हैं, तो आगे चलते हैं। आगे हमें डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ निमोनिक्स की बात करनी है, ताकि इन एलिमेंट्स को आसानी के साथ याद किया जाए। देखिए 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए कौन सी लाइन आपको याद रखनी है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेर कॉपी निकुंज से। देखिए साइंस टीचर SC स्कैंडियम, टीचर टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इस प्रकार से पूरी 3D सीरीज आपके सामने है। ये है 3D सीरीज, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे आपके सामने है, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा ट्रिक 4 डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में कौन सी सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए इस प्रकार से एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा ये आपके सामने है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक होगा, और आपको मिल जाएगी कंप्लीट 3D सीरीज। एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, ये 3D सीरीज डी ब्लॉक की आपके सामने है। आई होप इस सीरीज को आपने याद किया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एटॉमिक नंबर यहां देखिए 39 से 48 तक, एटॉमिक नंबर 39 टू 48 तक हम देख चुके हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज के लिए आपको टेक्निक बताई गई है 4D सीरीज, जी हां ये आपके सामने है 4D सीरीज ट्रिक 4, ये आपके लिए ट्रिक 4 डी ब्लॉक, ट्रिक 4 डी ब्लॉक, जी हां डी ब्लॉक में 4D सीरीज के लिए टेक्निक आपके सामने है। यारी जरा निभाएंगे, ये आप जानते हैं यारी जरा निभाएंगे मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट
रुकावट राह पड़े, आर यू आर एच, राह पड़े पी डी, तो आग में कूद जाएंगे ए जी सी डी। इस प्रकार से आपको कौन सी सीरीज याद रखनी है, इस प्रकार से आपको 4D सीरीज याद रखनी है। एटॉमिक नंबर 39 से कहां तक होगा, 48 तक होगा। आई होप इस पूरी सीरीज को आपने याद कर लिया होगा। इसके बाद देखिए 4D सीरीज के बाद एक और सीरीज आपके सामने है, डी ब्लॉक की 5D सीरीज आपके सामने है। देखिए ये 5D सीरीज भी किसके लिए है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है। यानी ये ट्रिक भी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ट्रिक 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक, फॉर 5D सीरीज, फॉर 5D सीरीज। ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। आई होप इसको आपने मेंडली पीरियोडिक टेबल में भी अंडरस्टैंड किया होगा। ला हफ्ता वरना रे, यहां पर देखिए टीए भी होगा, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। आई होप आपने इन सभी एलिमेंट्स को एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया होगा। ये देखिए एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 80 तक हमने सभी एलिमेंट्स को इंडिकेट कर लिया है। एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 80 तक, तो देखिए इस प्रकार से हमने 5D सीरीज के सभी एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड किया है एटॉमिक नंबर 50 से एटॉमिक नंबर 80 तक। तो 6D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कैसे रिलेटेड भी हमारा डिस्कशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अभी आपको केवल और केवल 3D 4D 5D सीरीज के सभी एलिमेंट्स को याद करना है। अगर आपने याद कर लिया है तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें इन डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करनी है, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, इन एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में, कौन से ऑर्बिटल में एंटर होगा, ये आप जानते हैं डी सबसेल और डी ऑर्बिटल में एंटर होगा, इसी वजह से इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो चुका है, सेकंड पॉइंट क्या है, मेंडली पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मेंडली पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट थे। अगर आपको याद हो मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो आप जानते होंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ग्रुप 3B 4B 5B 6B 7B ग्रुप 8 1B एंड 2B में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। देखिए किस प्रकार से एलिमेंट्स मेंडली पीरियोडिक टेबल में इन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट थे, इसका आइडिया आप मेंडली पीरियोडिक टेबल को देखकर भी लगा सकते हैं। आई होप आपने मेंडली पीरियोडिक टेबल को देखा होगा और इन एलिमेंट्स को आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया होगा। अब बारी है आगे चलने की। देखिए पॉइंट 3 क्या है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल। ये पेनल्टीमेट सेल क्या है, देखिए वैलेंस शेल से जस्ट अंदर, अगर वैलेंस शेल को एन से इंडिकेट किया गया है तो वैलेंस शेल से जस्ट अंदर एन माइनस 1 सेल होगी, इस सेल को क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट सेल बोलेंगे। तो डी ऑर्बिटल होगा, ये ऑर्बिटल पेनल्टीमेट सेल से बिलोंग करता होगा, कैसे करता होगा, देखिए किस प्रकार से पेनल्टीमेट सेल में होंगे डी ऑर्बिटल्स, या फिर बोल सकते हैं पेनल्टीमेट सेल के कोरस्पॉन्डिंग होंगे डी ऑर्बिटल्स। इसके लिए हमें जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ पेनल्टीमेट सेल की कॉन्फ़िगरेशन की भी बात करनी होगी। ये देखिए ये हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NS022। जी हाँ, एस में 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। अब देखिए N-1 पेनल्टीमेट सेल की बात की जाए, पेनल्टीमेट सेल इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, P में 6 मिलते हैं और D में 1 to 10 कितने भी हो सकते हैं।
इसको आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जी हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं। आई होप आपने पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन देखा होगा, प्रीवियस सेशन में देखा होगा, आज के सेशन में देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल देखिए। इस पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करते हैं। ये आपके सामने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आई होप आपने इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, देखिए इसके बाद पॉइंट फाइव आपके सामने है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स नहीं है। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है? मेटल्स। ये आपको नोट करना है। आई होप पॉइंट नंबर फाइव आपने नोट किया होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स आपके सामने है। आउट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स मर्करी इज ओनली लिक्विड एलिमेंट। जी हाँ, बाकी एलिमेंट्स सॉलिड्स होंगे, मर्करी ही अकेला लिक्विड एलिमेंट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Hg। मर्करी इज लिक्विड, अदर मेटल्स आर सॉलिड्स। आई होप इस पॉइंट को आपने नोट किया होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देखिए वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट सेल की जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पेनल्टीमेट सेल की जनरल पेनल्टीमेट सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया है, याद कर लिया है, उसके बाद हम आगे जानेंगे जब बात की जाएगी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही क्यों होती है। इस कॉन्फ़िगरेशन को आपने अगर याद कर लिया है तो इसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको बनाने के लिए आपको जानना होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और काफी सारे एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। यानी जो रूल्स आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बताए गए थे, उन रूल्स को वोलेट भी करती है कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के केस में। कैसे वोलेट करती है, उस पूरी माया को जानने के लिए, पूरी कहानी को जानने के लिए मैं लूंगा एक एडवांस लेक्चर जो कि बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। वहां पर आपको सभी एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फैमिलियर करवाया जाएगा और आप पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख जाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद। चलिए बारी है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने एटॉमिक नंबर से कितने एटॉमिक नंबर तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, सबसे पहले हमें यह बात करनी होगी। एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक, एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक, ये सभी एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इस सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज लेंथेनाइड सीरीज है, ये सीरीज एक्टिनाइड सीरीज है। एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं सीरीज को। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं लेंथेनाइड सीरीज से, और एटॉमिक नंबर 90 से, एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, 14 एंड 14 एलिमेंट्स हैं। जी हाँ, ये 14 एलिमेंट्स हैं और ये भी 14 एलिमेंट्स हैं। ये सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार से ये एलिमेंट्स लेंथेनाइड सीरीज के हैं, ये एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज के हैं। आई होप आपने ये चेक कर लिया होगा एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक एंड 90 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को एस पी डी ब्लॉक एलिमेंट से सेपरेटेड रखा जाता है। देखिए किस प्रकार से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके सामने हैं, लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज आपके सामने है। इन एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से इंडिकेट किया गया है। इनकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इन एलिमेंट्स को इस प्रकार से इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सेपरेटेड यहां पर इस टेबल के नीचे इंडिकेट किया गया। इस टेबल का ही पार्ट है। देखिए एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक यहां गैप होगा, या एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक यहां गैप होगा। इन एलिमेंट्स को इस प्रकार से इंडिकेट किया गया है।
लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट सी है और ये सीरीज आप देख चुके हैं, तो एफ ब्लॉक को डिफाइन करना होगा। इनसे रिलेटेड डिटेल में हमारी बातचीत होगी अगली मुलाकात में। देखिए किन एलिमेंट्स को बोला जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर होगा, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एफ सबसेल और एफ ऑर्बिटल आर कोल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड सीरीज के हैं, 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज के हैं, टोटल नंबर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। देखिए 28 एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ जनरल डिस्कशन हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, अभी केवल और केवल हमने इनसे रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट को फिनिश कर लिया है, डिटेल में इनसे रिलेटेड बातें होगी जी हां, और काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे। तो देखिए इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम काफी सारे इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, यानी ये लेक्चर लास्ट लेक्चर था बेसिक पार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एडवांस टॉपिक्स को भी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप मेरा इंतजार करें, क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।